आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 576वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम खड़े हुए हैं ऐतिहासिक मिशन उच्चतर माध्यमिक शाला के मुख्य भवन के सामने। 1900 लगभग 123 साल पुराना ये भवन, अब ये भवन जर्जर होता जा रहा है। इस भवन के रख रखाव में बहुत ही लापरवाही बरती जा रही है। बहरहाल हम लगातार आपसे बात करते आ रहे हैं। राजनीतिक तौर पर हमने चर्चाएं की हैं, चारों विधानसभा चुनाव के बारे में विस्तार से बताया है। दरअसल विधानसभा चुनाव बहुत जल्द कभी भी घोषणा हो सकती है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए कांग्रेस के एक बहुत बेहतरीन और संघर्ष करने वाले नेता राजा खान मुबीन हैं। सामाजिक सरोकार भी आपका बहुत बेहतरीन है, और इसके अलावा जो समसामयिक विषय होते हैं, समसामयिक मुद्दे होते हैं, उन समसामयिक मुद्दों पर भी आप बहुत सक्रिय और जागरूक रहते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर आपकी उपस्थिति जिस तरह से होती है, उस तरह की उपस्थिति सिवनी में, हम चूंकि जिला स्तर पर हम इसे केंद्रित किए हुए हैं, सिवनी जिले में दोनों कांग्रेस के विधायक भी उतने सक्रिय नहीं दिखाई देते हैं। इसके अलावा पूरी जवाबदेही से हम इस बात को कह सकते हैं कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों, वे भी सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा सक्रिय नहीं होते हैं, और जनता से जुड़े जो मुद्दे हुए उन मुद्दों को लगातार ही आप जाकर उठाते हैं। बहुत स्वागत है आपका समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज लिमिटी की लालटेन के 576वें एपिसोड में। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका लिमिटेड भैया। आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है, अगर हम आप आए, हम आपसे चर्चा करते हैं कि क्या वजह है कि सिवनी में लगातार ही कांग्रेस रसातल में जा रही है। ये कहने के पीछे भी हम आपको वजह बता देते हैं। 33 साल से सिवनी जिला मुख्यालय, सिवनी वाली विधानसभा में आपका विधायक नहीं है। संघर्ष आप कर रहे होंगे पर परिणाम आपके पक्ष में नहीं है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये बात निश्चित है और बिल्कुल आपका जो सवाल है उससे मैं सहमत हूँ कि बहुत लंबे समय से सिवनी में कांग्रेस का विधायक नहीं, और उस समय विमला बुआ जी थी जो यहाँ पे लगातार उन्होंने सिवनी के लिए जितनी सौगातें हो सकती थी उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं। उसके बावजूद भी सिवनी विधानसभा सीट एक ऐसी सीट रही कि जो कांग्रेस को जैन साहब, जो छपारा वाले रमेश जैन साहब है, उसके बाद से लगातार यहाँ पे नहीं रही। आपने बीच में रोकूंगा, आपने कहा कि विमला वर्मा जी ने बहुत सारी सौगातें दी हैं। जब तक विमला वर्मा जी सौगातें देती रहीं, जब तक वे सक्रिय राजनीति में रहीं, तब तक कांग्रेस के पक्ष में सिवनी का रुझान आता रहा। आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि 1990 के बाद आप सिवनी पर अपना परचम नहीं लहरा? ये वही मैं कहना चाह रहा था कि विमला बुआ के बाद जैसे जैसे वो उनकी एक एज हुई तो यहाँ पे स्थापित नेताओं की कमी रही संगठन में। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि स्वीकार करने में कोई बुराई बात। आपकी बात से हम फिर आपको रोकेंगे, आपको थोड़ा याद दिलाना चाहेंगे। हरवंश सिंह ठाकुर स्थापित नेता थे प्रदेश में, वे बहुत कद्दावर मंत्री रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस में उनका कद बहुत बड़ा हुआ करता था। कुछ साल पहले जब नीता पटेरिया यहाँ सांसद हुआ करती थी, उस समय जब झंडा वंदन की बात आई तो रातों रात आदेश बदला और हरबंस सिंह ने यहाँ झंडा वंदन किया। और आप कह रहे हैं स्थापित नेताओं की कमी? नहीं, वो अब केवलारी से विधायक थे और जिले के लिए वाकई उन्होंने किया है, लेकिन केवलारी लगातार जीतता है उनके रहते पे। लेकिन सिवनी में कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रही है जिसके कारण ऐसा हुआ है। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति जो है, आज कांग्रेस बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। कैसे आप कह सकते हैं कांग्रेस मजबूत है? आप एक सामान्य जनता का एक सामान्य आरोप है कि जब आप विपक्ष में रहते हैं तो उन मुद्दों को उठाते हैं जो जनता से जुड़े, और जब आप सत्ता में आते हैं तो उन्हें बिसार देते हैं। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि सिवनी की जो भौगोलिक परिस्थिति है, लिमिट में आप भी देख रहे हैं, सिवनी में जितना विकास होना चाहिए था भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हम छिंदवाड़ा से हमारा ज्यादा विकास होना चाहिए था, मंडला और बालाघाट से ज्यादा विकास होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो जिन्होंने भी यहाँ का नेतृत्व किया है, जो भी जनप्रतिनिधि चुन के गए, तो उनकी उदासीनता के कारण ही कहीं ना कहीं सिवनी में। आपने अभी कहा कि आज स्थिति मजबूत है, किस आधार पर? आज वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज भी सिवनी के युवा हैं
उनको शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य के लिए बाहर ही जाना पड़ता है। इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, यहाँ पे निरंतर यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि विधायक चुने हुए आ रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए आ रहे हैं, लगातार सत्ता और शासन बीजेपी का होने के बावजूद भी 15 महीने आपकी सरकार रही, उस 15 महीने में रोजगार के लिए आपने क्या प्रयास किए, स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या आपने वो किया, शिक्षा के लिए क्या किया, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ऑपरेशन कायाकल्प, लाखों रुपए फूंक दिए गए, आज भी अस्पताल जैसा का तैसा है। आप स्वीकार कर रहे हैं कि 15 महीने की सरकार थी, 15 महीने में कोशिश हुई, चाहे वो प्रभारी मंत्री जी हों और कलेक्टर। एक आपको पहले उदाहरण बता दूं, एक किसी बादशाह ने भिष्टी को एक दिन का महाराजा बनाया था, एक दिन का उसने अपने चमड़े के सिक्के चला दिए थे। 15 महीने बहुत होते हैं साहब, 15 महीने की सरकार। आपके ऊपर एक आरोप चुने हुए विधायक ने लगाया, एक चुना हुआ विधायक जिसके पास 60,000 लोगों का जनता का आदेश है, उसने कहा कि आपका कांग्रेस भवन सफाई कर्मी और शिक्षकों के तबादलों से कमाए पैसों से बना है। कांग्रेस के प्रवक्ता, आपके प्रवक्ता, आपके जिलाध्यक्ष के ऊपर आरोप लगता है और 3 साल बाद भी उसका जवाब नहीं दे पाए। देखिए, जहां तक कांग्रेस के भवन निर्माण, आपकी बात सिर्फ आरोप की हो रही, आपने कैसे बनाया इसके ऊपर नहीं, जवाब इसका दिया जाना चाहिए था अथवा नहीं? जवाब तो बिल्कुल नहीं दिया गया जवाब। उसके बाद आप कहें कि कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है, आप विपक्ष में थे, इस मॉडल रोड के लिए इतनी चीख पुकार हुई जिसकी हद नहीं, इस जलावर्धन योजना के लिए इतनी चीख पुकार हुई जिसकी कोई सीमाएं नहीं थी, प्रधानमंत्री आवास जब बीजावाड़ा ले जाए जा रहे थे कांग्रेस ने चीख पुकार करी, जब आप 1 साल से नगर पालिका में सत्ता में हैं, जांच हुई क्या मॉडल रोड की, जलावर्धन योजना के ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड किया क्या, उल्टे उसको हर साल हर महीने पैसा आप दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वही जनता है जो देख रही है, फिर आप मजबूती का दावा किस आधार? देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरीके सहमत हूँ कि यदि हम विपक्ष में रहकर, चाहे मॉडल रोड हो, जलावर्धन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, हमने यदि उठाए हो तो आज उसको धरातल में दिखना चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, ये जवाबदारी बनती है। मैं कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं वहां पर स्थापित नहीं हूँ, ना मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा है, ना आप कांग्रेस के एक सामान्य कार्यकर्ता हैं। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, आप अपने आप को एक छोटा सा कार्यकर्ता बता रहे हैं। आप हमसे ना कहें, आप जनता के सामने ना कहें, पार्टी मंच पे तो ये बातें उठाने का पूरा अख्तियार है आप। बिल्कुल, और अवसर मिलेगा तो जरूर। 1 साल में क्या अवसर नहीं आए? निश्चित, अब उस बात को 1 साल में क्या अवसर नहीं आए आपको उठाने के? नहीं, कई जगह ऐसे अवसर आए हैं, प्रयास भी किए गए हैं। जब आपके पर्यवेक्षक आते हैं, जब आपके प्रभारी आते हैं, उनके सामने भी इस बात को नहीं रखा जाता। जनता आपसे जो नहीं जुड़ पा रही है, उसका कारण एक आवरण जो आपने बना लिया है। लोगों का आरोप है कि कांग्रेस में 2 या 4 नाम ही होते हैं, जिन 2-4 नामों के इर्द गिर्द, चाहे जिला पंचायत की बात हो, चाहे जनपद पंचायत की बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे नगर पालिका, 2-4 नामों के इर्द गिर्द ही, मतलब सामान्य कार्यकर्ता वहां पर है या नहीं पता भी नहीं चलता। नहीं, जहां तक मैं अपनी बात करूं तो सभी को अपनी बातें रखने का अधिकार है, और सभी को आज देख रहे होंगे आपके, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, उसके बाद भी सिवनी विधानसभा सीट से एक विधायक की दावेदारी के तौर पे नाम गया है, और मैंने भी दावेदारी की, और वो एक आम कार्यकर्ता होने के नाते की गई, तो इसलिए मैं ये नहीं मानता कि कुछ लोगों का ही नाम। दावेदारी आप भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भी कर सकते हैं। लोगों का जो कहना, लोगों का आरोप है कि किसी स्पेसिफिक किसी नाम पे हम चर्चा नहीं करेंगे, हम तो ये कह रहे हैं कि 1-2 नाम हैं जो आपके संगठन के कुछ नेताओं की पसंद हैं, उन नामों को ही सदा आगे बढ़ाया जाता है। दावेदारी आप भी कर सकते हैं। दावेदारी करने से रोका किसे? किसी को भी नहीं रोका गया। आरोप सिर्फ इतना है, कुछ नामों पर ही कांग्रेस सिमट कर रह गई है। देखिए, शीर्ष नेतृत्व है, माननीय कमलनाथ जी बैठे हैं, उनको देखना है यहाँ पे। हम जिले की बात कर रहे हैं, हमारा कहना यह है कि आपके संगठन के
जो सरमायादार लोग हैं वे कुछ नामों की उनके चहेते नाम हैं। कमलनाथ जी स्टेट लेवल पर हैं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी नेशनल लेवल पे, उन्हें देखना है, इस पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं इस बात पे, यहाँ संगठन की धुरी सिर्फ चार पांच नामों के इर्द गिर्द घूम कर क्यों रह जाती है। मैं आपको वही रिपीट करना चाहता हूं कि कमलनाथ जी को निर्णय लेना है कि कमलनाथ जी निर्णय तब लेंगे जब संगठन उन तक नाम इतने भेजेगा। हम तो यही चाहते हैं कि जितने लोग दावेदार हैं सबके, चाहे वो 10 लोग हो। आरोप यही है कि 10 लोग दावेदार हैं पर जाएंगे 4 लोगों की उनके चहेतों के, ये आरोप है। ये इस पर हम चर्चा करें। ये अगर ऐसा होता है तो गलत है, और जितने लोग हैं जिनने दावेदारी की है सबके नाम जाना। चलिए चलिए, इसके बाद हम तीसरी चीज आपसे जानना चाहेंगे। सिवनी जिले में उद्योग विहीन जिला है सिवनी। बारापत्थर में बबरिया का जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ एक इंच जगह नहीं है, पर वहाँ एक भी उद्योग लगा नहीं नजर आता है। 2500 एकड़ का भोरखल खापा औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ सिर्फ 22 उद्योग चालू हैं। युवाओं के पास रोजगार के साधन आज, जैसे आपसे जानना चाहें रोजगार की क्या स्थिति है, रोजगार के साधन क्या हैं सिवनी में? अभी वर्तमान में यदि बात किया जाए रोजगार की, तो सिवनी जिले में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अभी के समय में, बस यही बात आम जनता को दिखाई दे रही है, यही बात सिवनी का आम मतदाता देख रहा, नहीं देख पा रहे हैं तो कांग्रेस के जो यहाँ जिला अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं या कांग्रेस के विधायक। इस बात से आप सहमत हैं मैं एक बात बोलना चाहता हूँ डिप्टी, मैंने जहाँ शुरुआत की थी शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार तीनों के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है लगातार। जो यहाँ के लोग पीड़ित हैं आज, चाहे औद्योगिक क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं कि वहां पे भुरकल खापा की क्या व्यवस्था, आप देख लीजिए। राजाधीराज एक इंडस्ट्री हुआ करती थी, आपको भी पता है कि एक डांडा फैक्ट्री थी 80 के दशक में थी। आज कम से कम लोगों को रोजगार मिलता था उससे, लेकिन आज वो बंद है वर्षों से। लेकिन कहीं ना कहीं जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि कोई भी हो, मैं इतना कहना चाहता हूँ सबकी जवाबदारी है, चाहे वो कांग्रेस का व्यक्ति हो चाहे वो भाजपा के व्यक्ति हो। 15 महीने की आपकी सरकार में आपने क्या प्रयास किए? 15 महीने में एक उद्योगपति को सिवनी लाया क्या? आप कह रहे हैं छिंदवाड़ा से अगर तुलना की जाए, छिंदवाड़ा समृद्ध है, आपके प्रदेश अध्यक्ष छिंदवाड़ा से ही है। अगर आपके जिलाध्यक्ष, आपके नगर अध्यक्ष, आपके जो ब्लॉक अध्यक्ष या आप स्वयं जाकर उनसे उद्योग की बात करते तो वे मुझे नहीं लगता इनकार करते। देखिए लिमिटेड भैया, इतने वर्षों की सत्ता के बाद आ जाना और मात्र 15 महीने, ये बहुत कम होते हैं। 15 महीने में कहीं एक उद्योगपति आकर दिखता तो कि इसके हमने बुलाया गया है। देखिए हमारी इच्छा शक्ति तो नजर आती है। मंत्री जी ने काफी प्रयास करे, उन्होंने काफी उद्योगपतियों को आकर्षित। सिवनी की बात हम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के लिए हम बात, किसको सिवनी में आकर्षित किया सिवनी के लिए? मैं मानता हूँ उस बात के लिए, लेकिन व्यवस्था धीरे धीरे सुधर। 15 महीने में बच्चा खड़ा होकर चलने लगता है साहब। देखिए सत्ता में लगातार दूसरे लोग सत्ता पे काबिज। 15 महीने में जो व्यवस्थाएं बन सकती थी, आप स्वीकार करें कि आपके सिवनी के संगठन ने युवाओं के रोजगार की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। प्रयास अगर हुए हैं तो बताइए। प्रयास किए, एक उद्योगपति का नाम बताइए, एक किसी उद्योग का नाम बताइए जो आकर के यहाँ, जिसने सिर्फ जमीन देखी हो। देखिए मेरी बात मानिए आप, के जो जिस तरीके से व्यवस्थाएं लगातार चली आई है लिमिटेड भैया, मैं बोलना चाह रहा हूं कि 200 साल से बीजेपी का शासन है और 15 महीने की सरकार आई है, तो आपने कमलनाथ जी को भी कई बार सुना होगा बोलते हुए कि चुनाव चुनाव और चुनाव, लोकसभा चुनाव, उसमें समय चला गया और उसके बाद आप ये जानते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, सत्ता अकेले कोई ये नहीं कि मुख्यमंत्री बन गए या मंत्री बन गए, वो चलाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। हम अगर मकान बदलते हैं 15 महीने में, हम अपना मकान व्यवस्थित कर लेते हैं, हम आस पड़ोस के लोगों से संबंध बना लेते हैं, हमारे घर में अगर सीढ़ी प्रथम मंजिल में जाने के लिए नहीं तो हम सीढ़ी लगवा लेते हैं। हमें यहाँ पर हमारे 2 विधायक कांग्रेस के थे, दोनों विधायक चाहे थे तो भुरकल खापा या अपने अपने लखनादौन या बरघाट विधानसभा क्षेत्र में उद्योग लगवा लेते। खैर इस बात भुरकल खापा माननीय विधायक मुनमुन राय जी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उनको प्रयास करना चाहिए था,
और उन्होंने प्रयास नहीं किया तो कांग्रेस ने उस प्रयास का विरोध कब किया अगर उनके प्रयास युवाओं रोजगार के लिए नहीं हो पाए तब? हम करेंगे उसका विरोध, करेंगे अब विधानसभा चुनाव में करेंगे। बहरहाल आपके जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। सिवनी में क्रिकेट का मैदान है? क्रिकेट का मैदान है। अगर नहीं है, वे 20 साल से अध्यक्ष हैं, क्या ये नैतिक जवाबदेही बिल्कुल बनती है? उनकी नहीं बनती, बिल्कुल बनती। सिवनी में फुटबॉल के लिए कोई मैदान है? आप जाकर फुटबॉल खेल सकते हैं कहीं? सिवनी में फुटबॉल के लिए मैदान नहीं, स्टेडियम जो स्टेडियम है उस स्टेडियम में हमने क्रिकेट खेली। विमला वर्मा की देन थी, संजय चौरसिया इसी स्कूल के पास आउट, संजय चौरसिया ने आश्वासन नहीं माफ कीजिएगा स्टेडियम चाहिए, आश्वासन नहीं स्टेडियम चाहिए एक नारा दिया था। विमला वर्मा जो कद्दावर नेत्री थी उनका विरोध किया था तब वो स्टेडियम मिला था। आज उस स्टेडियम में आप बिना पैसे दिए घुस सकते हैं जी? उसका विरोध कांग्रेस क्यों नहीं करती? एक दूसरा आपसे अगर एक और हम ये बात और जानना चाहें, स्वास्थ्य सुविधाएं की बात आपने करी, सिवनी में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बिल्कुल उस बारे में आप क्या कहेंगे? मेडिकल कॉलेज के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि बिल्डिंग बन रही है अभी फिलहाल, उसका अगर बिल्डिंग बन रही है उसका मेडिकल कॉलेज चालू नहीं होने के का विरोध कांग्रेस नहीं कर रही है, लोगों का एक सामान्य आरोप है उसके आसपास। मेडिकल कॉलेज के विषय में, मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग के आसपास आपके कुछ नेताओं की जमीन है, एक आरोप जनता का है वो ठीक है, इसलिए मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग का विरोध नहीं करता। देखिए नहीं, नहीं, बिल्डिंग बाद में बन रही है और जिन भी लोगों की आप बात करेंगे वहाँ संपत्ति है वो पूर्व से है, पूर्व पश्चात का नहीं, बात सिर्फ मुद्दा है। आपकी जानकारी में आपकी आयु लगभग 25 साल होगी, 30 साल होगी, आपको मालूम है सिवनी में एक ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हुआ करता था, कहाँ हुआ करता था? बारापत्ता से। कहाँ पे? बबरिया रोड। बबरिया रोड कहाँ पे याद नहीं आप? चलिए, सिवनी में एक ITI होता था जो KL राजपूत साहब फौत हो गए उनके घर पर किराए से लगा करता था, उसके बाद उसकी बिल्डिंग परघाट रोड में बाद में बनी। सिवनी में शिखर चंद जैन महाविद्यालय हुआ करता था जो बाद में डिग्री कॉलेज बना, भूत बंगले में उसका कॉलेज की बिल्डिंग थी, वहां से शिफ्ट होकर गई नॉर्मल स्कूल, जो नॉर्मल स्कूल हुआ करता था उस स्कूल में गई। तीसरा उदाहरण आपको हम देते हैं, सिवनी में केंद्रीय विद्यालय जेल में लगा करता था, उसकी बिल्डिंग बाद में बनी। सिवनी में मेडिकल कॉलेज और छिंदवाड़ा का मेडिकल कॉलेज, छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज चलता था किराए की बिल्डिंग, सिवनी का मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग पहले बन रही है, पढ़ाई अभी तक चालू नहीं हुई। ये पूरा वृतांत बताने का पीछे मकसद महज इतना है, बिल्डिंग अकेली बन रही, मेडिकल कॉलेज चालू नहीं करने के पीछे कांग्रेस का विरोध के मौन का कारण। देखिए बिल्डिंग की जहां तक बात रही, मैं इतना कहना चाहता हूं इंटरव्यू में कि बिल्डिंग बन रही है स्वागत योग्य, और हम उम्मीद करते हैं कि जितना भी शहर के लिए और जिले के लिए जितना भी विकास होगा उसका स्वागत है, चाहे वो विपक्ष के नेता करवाएं या सत्ता पक्ष के नेता करवाएं। अब रही बात मेडिकल कॉलेज के विषय में, कांग्रेस ने हमेशा मुखरता से इसका विषय उठाया है। कब? मैंने क्या आपकी जानकारी के लिए उस मेडिकल कॉलेज में आप हम कोई मीडिया तक नहीं जा पा रहा है, अंदर नहीं जा पा रहा, इसका विरोध भी नहीं जा पा रहा है? आपके जिलाध्यक्ष आज तक घुसने का प्रयास किया क्या उन्होंने? घुसने का प्रयास किया क्या उस मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग के अंदर? जिलाध्यक्ष राजकुमार खुराना, नगर अध्यक्ष इमरान पटेल, किसी ने घुसने का प्रयास किया क्या? नहीं तो कारण क्या हो सकता है? देखिए इसका विरोध मेरी जानकारी, मैं कांग्रेस, हम कांग्रेस संगठन की बात, संगठन की बात करूं, संगठन ने लगातार मेडिकल के विषय में बात, मेडिकल के विषय में जब बात आती है कांग्रेस सीधा दोष देती है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को, जैसे नरेंद्र मोदी के कद के हों, सीधा दोष देते हैं शिवराज सिंह चौहान, जैसे शिवराज सिंह चौहान के कद के हों। क्या कारण है विधायक का विरोध करते समय उनके कदम वापस हो जाते हैं? कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजकुमार खुराना, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष इमरान पटेल, आप ही जवाब दीजिए, आप एक बार आपने घुसने का प्रयास किया है 300 करोड़ के उस मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग, किस गुणवत्ता का काम हो रहा है आपको पता है? आप कभी गए हैं, कभी कांग्रेस का एक डेलीगेशन जाके देख के आए हो तो बताइए? डेलीगेशन के साथ नहीं गए, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से गया हूँ, डेलीगेशन के साथ नहीं गया।
देखा है वहाँ जिस तरीके की व्यवस्था है, आप बिल्कुल सही बात बता रहे हैं कि वहाँ पे घुसने नहीं दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार हो रहा है, आपकी मौन सहमति है, इसे मौन सहमति मान लिया जाए? नहीं नहीं, इसको मौन सहमति। तो फिर क्या कारण है राजकुमार खुराना के मौन का, इमरान पटेल के मौन का, सारे घोषित और अघोषित प्रवक्ताओं के मौन का? मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि एक बार खुराना जी से भी और चाहे राजा गगन जी से भी इसमें आपको एक बार उनसे राय लेनी चाहिए। हमने कई बार सोशल मीडिया पर आपके प्रवक्ता राजा ककील को सोशल मीडिया पर कहा कि राजकुमार खुराना से समय दिलाया जाए, हम उनसे सिवनी के संबंध में प्रश्न करना चाहते हैं। आप सोशल मीडिया में बोलने के बाद आप तो आपका अधिकार बनता है कि आप जाकर उनसे आपकी जानकारी के लिए कांग्रेस समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया, बाकी की हम बात नहीं करते, इतनी दूरी बनाकर रखी हुई है जिला स्तर पर कि पत्रकार वार्ताओं की सूचना भी नहीं आती, तो आप इसकी बात कर रहे हैं। चलिए अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि सिवनी में और भी मुद्दे हैं, चाहे मेडिकल हो, बताइए और नहर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नहर में लगातार आप देख रहे हैं कि मैंने स्वयं भी कई बार अन्वेषक उठाया है, आज तक जांच नहीं हुई, कई लोगों को उसमें मुआवजा नहीं मिला है। नहर की जहां तक बात आप कर रहे हैं, उसी नहर के मुद्दे में बड़े स्तर पर एक बड़े आईएएस अधिकारी जिन्हें कांग्रेस के रिजिम में लाभ पहुंचाने के आरोप, उनके ऊपर प्रकरण भी दर्ज हुआ है। तो नहर की बात हम पूरी कर लें, क्योंकि कांग्रेस की सरकार के चलते उन पर करोड़ों रुपए के आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, कांग्रेस की सरकार के चलते हाँ, तो उस समय कार्रवाई हुई ना उनके ऊपर? कार्रवाई भाजपा ने करी बाद में, लेकिन फिर उसके बाद जांच क्यों नहीं हो रही उसमें? ये एक बड़ा विषय है ना सिवनी के लिए, मुझे लगता है मामला जांच एजेंसी के पास पहुंच चुका है। देखिए सिवनी के इतिहास में मैं मानता हूँ, सिवनी जिले के इतिहास में आज तक के इतना बड़ा घोटाला नहीं होगा जितना बड़ा भी नहर के मामले में हुआ, आज तक बहुत बड़ा घोटाला है, पर सिवनी जिले के इतिहास में आज तक इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ होगा। लेकिन उसके बाद भी सत्ता पक्ष के लोग मौन है, कोई जवाबदेही नहीं है, अधिकारियों ने जिस तरीके से किसानों को प्रताड़ित किया है, लोगों की खड़ी फसलों में ले जाके गाड़ियां चला देते हैं, आज बहुत सारे ऐसे जो किसान हैं जो प्रभावित हुए हैं उससे, आज तक लोगों को मुआवजा भी नहीं मिला, ये बहुत बड़ा विषय है सिवनी जिले का। अगर ये वाकई बहुत बड़ा विषय है तो कांग्रेस संगठन अपने कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता आप भी कार्यकर्ता है, विधायक भी एक कार्यकर्ता, उन दो विधायकों के जरिए विधानसभा जो सक्षम मंच है उसमें इस बात को उठाने से कांग्रेस संगठन गुरेज क्यों करता है? मुझे 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 एक बार अवसर दे, अवसर नहीं, मुझे जो अभी, मुझे जो अभी, मुझे अवसर दे और मुझे विधानसभा में भेजे तो आपको मेरा परफॉर्मेंस, सिवनी विधानसभा के, मैं जवाबदारी लेता हूं, विधानसभा के पराजित उम्मीदवार राजकुमार खुराना, मोहन सिंह चंदेल, वे इस मुद्दे को लेकर भोपाल में आंदोलन क्यों नहीं बोला? करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए, जवाबदारी बनती। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ और मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ कि यदि आपको पार्टी ने मौका दिया है, आपने भी वोट लिए, चाहे पूर्व के प्रत्याशी हो या पिछले 2018 में चुनाव से पराजित हुए प्रत्याशी हो, आपका अधिकार है सवाल पूछना, और मैं ये मानता हूँ कि आप भी विधायक हैं क्योंकि आपको भी जनता ने वोट दिया है, वोट दिया है, तो आपकी जवाबदारी बनती है, जहां ऐसी कोई आपको गलती दिखे तो आपका ही अधिकार है, आपका ही अधिकार है कि आप उस बात को उठाए, हमारा बहुत बहुत सटीक बात आपने कही। इसके अलावा और क्या मुद्दे आपकी नजरों में हैं? मेरे नजरों में देखिए टोल बहुत बड़ा विषय है, आपने देखा होगा लगातार जो सीवी में पुरानी सड़कों पर टोल लिया जा रहा है, आपने देखा होगा मैं उस विषय में जेल भी गया था, नए नए टोल स्थापित किए जा रहे हैं, सड़कें अच्छी हो तो टोल देने में कोई बुराई नहीं, लेकिन आपके कांग्रेस के विधायक, देखिए अगर आप जब भी बात करेंगे कहीं ना कहीं आप संगठन के रूप संगठनात्मक रूप से घिरेंगे, आपके विधायक बरघाट रात भर वहां पर सोए थे, उसके बाद हम भी क्या उसके बाद हम क्या सोए थे, शुरुआत हमने की थी, आपने शुरुआत करी, आपके विधायक वहां सोए, क्या कारण है कि टोल चालू होने के बाद वे अपने घर में सो रहे हैं? मैं उन पर सवाल करता हूं, मैं उन पर सवाल करता हूं, उनकी विधानसभा क्षेत्र से जाती सड़क, उनको लगातार इसमें काम कर विधायक को इसमें
प्रयत्न करने थे, बात उठानी थी, उन्होंने नहीं उठाई। बरघाट विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया, और मुझे बोलने में कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मैं पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ। अर्जुन सिंह काकोड़िया, बिल्कुल, मैं, मेरी बात सुनिए आप, मैं पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ, लेकिन पार्टी की विचारधारा के साथ हूँ, लेकिन जहाँ गलत है मैं उसको बोलने के लिए मुखर हूँ। आप सेलवा टोल टैक्स में सबसे ज्यादा प्रभावित होती बरघाट विधानसभा। आज सिवनी से अगर विधानसभा के विधायक हैं मुनमुन राय, उनकी जवाबदारी सिवनी से है। बरघाट विधानसभा, बरघाट विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया की है। आप अरी रोड पे, जो कटंगी रोड पे, जहाँ पे वो पखारा बर्रा में एक नया टोल स्थापित हुआ, उसके खिलाफ भी जाने की जवाबदारी बरघाट विधायक की थी। मैंने दोनों टोल में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है, आपने देखा है, और उनको भी सक्रियता से इसका विरोध करना चाहिए था, ये उनकी जवाबदारी बनती है। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा अभी चल रहा है बस स्टैंड का। बस स्टैंड जहां है वहां से अलग हटना चाहिए। सोशल मीडिया पर उसे जिस जो रंग दिया जा रहा है वह रंग उचित नहीं माना जा सकता। अभी फिलहाल आज जो दिख रहा है कि उसे नागपुर रोड में कहीं ले जाया जाएगा। स्टेशन भी वही, बस स्टैंड भी वही। बारह पत्थर का आदमी अगर वहां जाना चाहेगा, उसे रेलवे स्टेशन रेल से जाना हो चाहे बस से जाना हो, उसके लिए तो भाड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें जो कुछ भी होना है, सिवनी की जनता से पूछे बिना कैसे निर्णय ले लेते हैं विधायक हमारे? क्या मौन रहते हैं? विपक्ष मौन रहता है, इसलिए इस तरीके के निर्णय हो जाते हैं। जहां तक बस स्टैंड की बात है, तो जिस तरीके से शहर की बसावट है, उस हिसाब से वर्तमान का बस स्टैंड सही जगह पर स्थापित है। बस उसके लिए व्यवस्था बनाने की जवाबदारी चाहे नगरपालिका हो चाहे प्रशासन। व्यवस्था हम बताते हैं कैसे बनेगी। हमने पिछली बार भी बताया था, दो वहां पर बुक स्टॉल है, उन बुक स्टॉल को हटा दीजिए, दूसरी तरफ दे दीजिए, वहां से बसेस पीछे जाएं, वर्कशॉप में जाके सारी बस खड़े हों, सोहाने पेट्रोल पंप से बाहर निकल कर आए, जबलपुर रोड होते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर जाए। ये चीज आपके जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष को प्रशासन के समक्ष रखनी चाहिए। ये एक मुद्दा हो गया। बस स्टैंड जहाँ पर है वही रहना चाहिए। अगर यदि उसको नागपुर रोड की तरफ अगर स्थानांतरित किया जाता है, तो वाकई अगर बारह पत्थर का रहने वाला व्यक्ति, उसको बहुत तकलीफ जाएगी, या फिर कहीं इस तरफ कहीं ले जाएंगे तो इस मामले में कांग्रेस का, आपका नहीं, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? कांग्रेस का स्टैंड मुझे लगता है अभी आपको पता, मुझे जानकारी नहीं, इतना ज्वलंत मुद्दा है कांग्रेस का स्टैंड क्या है ये भी नहीं पता। एक और बहुत आखिरी सवाल आपसे, जो बहुत बड़ी एक समस्या है, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पे तो हमने चर्चा कर दी। गली गली शराब बिक रही है, नशा गली गली बिक रहा है, इस पर कोई नियंत्रण सत्ताधारी दल का नहीं है। सत्ताधारी दल तभी निरंकुश होता है जब विपक्ष मौन हो जाता है। विपक्ष अगर सजग प्रहरी रहेगा, सत्ताधारी निरंकुश नहीं हो पाएंगे। ये बहुत बड़ा विषय है। आज जिस तरीके से आपने ये ज्वलंत मुद्दा है, ये और जो शुरुआत ही इन सब चीजों से होती है, छोटे छोटे से बच्चे दिख रहे होंगे आपके, आज वो साइकिल पंचर वाला एक ट्यूब होता है, देखे होंगे आपने, सोल्यूशन वो मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे से बच्चे जो मुश्किल से 5 से 7 साल के होते हैं, मतलब इतने व्यापक स्तर पे है ये सारी चीजें। नशा, गांजा, शराब बहुत बड़ी समस्या शहर की। जो एक चर्चा युवाओं के बीच में है कि पाउडर क्या होता है ये तो पता नहीं, पाउडर पीते हैं, अब पाउडर क्या है ये पता नहीं, कुछ गोलियां खाते हैं, पाउडर पीते हैं, तो ये इस तरीके का नशा, अगर हमारी आने वाली पीढ़ी एक नशे की अंधी सुरंग में घुसी जा रही है और विपक्ष मौन है, तभी सत्ताधारी निरंकुश है। इस बार जो है जो विपक्ष है बहुत मजबूती, इस बार मतलब अभी तक जितने लोग नशे के उसमें जा चुके हैं उन्हें जाने दिया जाए, आगे नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ जो चीज स्वीकार कीजिए आपके संगठन की विफलता, जो चीज संज्ञान में, स्वीकार करें आपके संगठन की विफलता। देखिए मेरे, मुझे लगता है कि देखिए इसमें सत्ता पक्ष से भी सवाल है। सत्ता पक्ष तो निरंकुश, हमने सबसे पहले हमने यही बात कही कि विपक्ष मौन है इसलिए सत्ताधारी निरंकुश है। अच्छा, अगर सत्ताधारी विपक्ष सजग रहता, सत्ताधारी जैसे इसके पहले विमला वर्मा जी थी, गार्गी शंकर मिश्र थे, उस समय का जो विपक्ष होता था, जो जनता पार्टी हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी, आपके पास आ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी लोकल स्तर पर विमला वर्मा जी से प्रश्न करते थे और गार्गी शंकर मिश्र जी से प्रश्न करते थे। आज प्रश्न नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान से हो रहे हैं। मैं दो चीज और कहना चाहता हूँ, एक अस्पताल के विषय में कहना चाहता हूँ कि आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे किसी भी दल का हो, अस्पताल को एक जो अपने क्या कहेंगे कि
किन शब्दों में कहूँ कि अपनी नेतागिरी चमकाने के हिसाब से कभी भी कोई अस्पताल पहुंच जाता जब नहीं। जब हम पत्रकारिता में आए थे, हमसे कहा गया था कि शुरुआत में 1983 में जब हम पत्रकारिता में आए थे, तब कहा गया था कि अस्पताल, नगर पालिका, बस स्टैंड, कोतवाली, चार जगह जनता का सीधा जुड़ाव होता है, इन चार जगहों की खबरें लगातार दिखाओ जनता के बीच में, आपका अखबार लोकप्रिय हो जाएगा। जो आप राजनीति चमकाने की बात करें, निश्चित तौर पर, मैं आप समझे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अस्पताल में जाकर डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेना, उसकी गिरेबान पकड़ लेना, वहाँ तांडव मचाना एक अलग बात होती है, और व्यवस्था बनाने के लिए ईमानदारी से काम करने का अलग चीज़ होती है। मुझे ये बताइए कि जितने भी नेता हैं वो अचानक रात में जाके डॉक्टर को कॉलर पकड़ लेंगे, वहाँ तांडव करेंगे सिर्फ जनता को दिखाने के लिए, लेकिन मुख्य समस्याओं पर कभी ध्यान देने की कोशिश करते हैं? कभी उनको लगता है कि यहाँ पे जो जितनी क्षमता में डॉक्टर होना चाहिए अगर डॉक्टरों के लिए हम प्रयास करें, कभी मेडिकल स्टाफ में जो नर्सों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, वार्ड बॉय की कमी है, इन सब चीज़ों के लिए कभी प्रयास किया कि नहीं करते, सिर्फ कभी गए और हीरोगिरी दिखाने के लिए। मैं ठेठ शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं वही कहना चाहता हूँ कि बेसिक काम क्या है कि यदि आप अस्पताल के लिए चिंतित हैं, लोगों के स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं, तो आपको डॉक्टरों की पूर्ति के लिए काम करना चाहिए। ये हालत तब है जब आपके सांसद स्वयं डॉक्टर हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आप डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते, स्टाफ बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? डॉक्टर है, आप मत बढ़ाइए डॉक्टर की संख्या, जितने डॉक्टर है वही 8 बजे डॉक्टर है। मैंने सीएमएचओ से बात किया था, 8 बजे से बैठ जाए, सीएमएचओ 9 बजे जाके सारे जिले के बैठते समय 9 बजे सीएमएचओ जाते हैं, 50% डॉक्टर भी 9 बजे नहीं पहुंचते। लिमिटेड भैया एक बात सुनिए, ये ठीक है व्यवस्था सुधारने की जवाबदारी नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की और जिला कलेक्टर की, लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर की नियुक्ति होना चाहिए उस पर गंभीरता से कौन विचार करेगा? यहाँ के नेता करना चाहिए जो जनप्रतिनिधि है, हमारे 2 सांसद 4 विधायक जिसमें से 2 आपके, ठीक है आपके, मेरी वाली बात नहीं, ये जनता के, जनता के हैं, वो जनता के लिए काम करना चाहिए। निर्वाचित होने के बाद कोई पार्टी किसने रोका इन 5 सालों में योगेंद्र सिंह और अर्जुन सिंह काकोड़िया को विधानसभा में प्रश्न करना चाहिए? करना बहुत साफ गोई के साथ आप ये बात कह रहे हैं कि और एक विषय और, एक गेहूं का विषय बहुत बड़ा विषय है, आज जो आपूर्ति को लेकर जो भी व्यवस्था बनी हो, लंबे समय से गेहूं की यहाँ पे जो लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, राशन दुकानों में भारी भ्रष्टाचार है, लोग अपना चावल जो है, लोग जो चावल जो गरीबों को बांटने के लिए आता है खुला खेल चल रहा है, लोग उसको बेच देते हैं या वो जो दुकान मालिक है वो खरीद लेते हैं। आप एक बार ये जिला प्रशासन इसमें ध्यान क्यों नहीं देता कि गरीबों का हक जिस तरीके से छीना जा रहा है और बड़े बड़े व्यापारी जो खेल कर रहे हैं, इसमें भी जाँच होनी चाहिए। बहुत साफगोई के साथ आपके द्वारा किसानों की किसानों का मामला हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, कोई भी पहलू शायद राजा खान मुबीन से नहीं छूटा हो जिस पर उन्होंने बेबाक अपनी राय व्यक्त की हो। सिवनी को प्रतिनिधि चाहिए तो इस तरह का प्रतिनिधि चाहिए जो जनता से सीधा जुड़ा रहे और पार्टी हित को ध्यान में रखते हुए जनता के हित को सर्वोपरि रखे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 576वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो आप सुबह 7 बजे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर जैसे देख सकते हैं। सुबह 7 बजे इसका प्रसारण होता है। एक बार फिर राजा खान मुबीन साहब और आपके सहयोगियों का बहुत बहुत आभार कि आपने हमें अपने व्यस्त समय में से समय निकाल कर हमें समय दिया और जनता के मुद्दों पर चर्चा की। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 577वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।